बात करते हैं बिहार में हुए सांप्रदायिक बवाल की। रामनवमी के अवसर पर दो समुदाय में हुई हिंसा के बीच वहां हालात पटरी पर आने लगे हैं। कल हिंसा की जांच के लिए फोरेंसिक टीम बिहार शरीफ पहुंची। बिहार शरीफ हिंसा को लेकर ताजा अपडेट यह है कि दुकानें अब वहां पर खुलने लगी हैं। आज दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। बिहार शरीफ दंगे को लेकर 15 FIR दर्ज की गई है। 140 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिहार शरीफ में अभी धारा 144 है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 20 करोड़ की संपत्ति का नुकसान दंगे में हुआ है। ये 5 तस्वीरें बिहार शरीफ के हालात बयां कर रही हैं। बर्बादी के निशान हालांकि अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन RAF मुस्तैद है। दंगा निरोधी टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। और बिहार में हिंसा की आग थम गई, लेकिन सियासत नहीं खत्म हो रही है। सुशासन का दावा ठोकने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ न केवल विपक्ष है, बल्कि गठबंधन के अंदर से भी सवाल खड़े होने लगे। बिहार के 2 जिलों में हिंसा की आग अब शांत हो गई है, लेकिन इसकी तपिश अब भी बरकरार है, जिसे लेकर सियासत जोरों पर हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कैसे उपद्रवियों ने प्रशासन की तमाम कोशिशों को फेल कर दिया, किसकी लापरवाही ने बिहार के 2 जिलों को सुलगाने का मौका दिया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी की ओर से ये मुद्दा उठाया गया। नीतीश के राज में हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया गया। आज अगर महोदय तजिया निकलता है, कोई पत्थर नहीं बरसता है, लेकिन रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर बरसता है, रोकने का प्रयास करता है, हिंदुओं को अपमानित करने का बात करता है। ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति में, बहुत ही राजनीति में ये बिहार को आतंकवादियों का घर बनाया जा रहा है। बिहार शरीफ और सासाराम के हालात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी नेता नीतीश कुमार से तीखे सवाल कर रहे हैं, हिंसा के लिए नीतीश कुमार की तुष्टीकरण वाली नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या बंगाल हो या बिहार हो, रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती? यही सवाल है। बिहार शरीफ में तो पहले भी गड़बड़ी हुई थी, 2 साल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलिस की सख्ती थी। और बंगाल में तो पूरी ममता जी की पॉलिटिक्स यही है। ये है बड़ा सवाल। रामनवमी को आप रोकेंगे तो विरोध होगा। दंगे की आंच में वोट की फसल आपके लोग पकाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। बिहार में वो चलेगा नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव की धरती, भाईचारा कायम रहेगा किसी भी कीमत पर। ये आप नोट करके रख लीजिए, आपका प्रयोग या संयोग कतई सफल नहीं होगा। दोनों जिलों में पुलिस हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर रही है, हिंसा में शामिल लोगों की धरपकड़ कर रही है। नीतीश पहले ही कह चुके हैं, हर उपद्रवी की गिरफ्तारी की जाएगी, हरेक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। हिंसा पर जारी आरोपों के दौर के बीच बिहार शरीफ और सासाराम दोनों जिलों में भारी पुलिस बल तैनात है। कोशिश यही है कि शहर का माहौल दोबारा न बिगड़ने पाए। सासाराम से आदित्य वैभव और नालंदा से रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह आज तक। रोहित कुमार सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अब ये बताया जा रहा है कि तकरीबन शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, लेकिन इस बीच आज दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, ये भी खबर आ रही है।
बिल्कुल यहाँ देखिए, आज पूरे इस मामले का पांचवा दिन है। शुक्रवार को जो सांप्रदायिक तनाव फैला था उसके बाद से धारा 144 शहर में लगातार लागू है, आज भी लागू है, लेकिन पिछले दो दिनों से हिंसा की कोई खबर नहीं आई है, जिसके बाद प्रशासन ने आज कुछ ढील दी है और सुबह से ही आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकती हैं कि दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह से ही ये तमाम दुकानें जो हैं आज शहर में खुली हुई हैं, हालांकि एहतियातन अभी 2 बजे तक ही इनको खोलने की इजाजत दी गई है, जिसके बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और जैसे जैसे हालात और सामान्य होंगे तो प्रशासन ने कहा है कि जल्द पूरे दिन के लिए या जो नॉर्मल सामान्य तरीके से दुकानें खुलती हैं वो खुलेंगी, लेकिन हालात पर एहतियातन जो है अभी भी शहर में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान घूम रहे हैं, पुलिस की जो है बंदोबस्ती संवेदनशील इलाकों में अभी भी की गई है, लेकिन क्योंकि पिछले दो दिनों से हिंसा नहीं हुई है, कोई भी कोई ऐसी नई घटना नहीं घटी है, इसके बाद अब धीरे धीरे जिंदगी जो है बिहार शरीफ में वो अब पटरी पे लौटने लगी है। नेहा प्रिया रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका